नमस्कार दोस्तों, मंसूर गाथा देवीदास बेरगी के साथ यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज हम खड़े हैं मंदसौर जिले की जीवन रेखा कही जाने वाली शिवना नदी के मध्य। आप पीछे देख पा रहे होंगे कि यह पवित्र नदी जो है, इस नदी के तट पर भगवान पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर है, पवित्र मंदिर है। और इसी मंदिर से, इसी नदी से भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। और उस नदी की आज वर्तमान में स्थिति इतनी बुरी है कि हम आपको पूरा विषय वीडियो में बताएंगे। आज हमारे साथ खड़े हैं हिंदू संस्कृति उत्सव समिति मंदसौर के संस्थापक भाई साहब मनीष जी भावसार, जो निरंतर कई वर्षों से शिवना नदी की शुद्धिकरण के लिए, शिवना से जलकुंभी हटे इसके लिए, वो शिवना में जो गंदे नाले मिल रहे हैं उन नालों के लिए, जो यहाँ नहीं मिले उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आइए मित्रों, जानते हैं मनीष जी भावसार से थोड़ी जानकारी इस विषय में। स्वागत है मनीष जी आपका हमारा मंदसौर गाथा यूट्यूब चैनल पर, जो हमने धर्म आस्था व मंदसौर के पर्यटन को बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया है। और उसी प्रारंभ के लक्ष्य में हम यहाँ आए थे भगवान पशुपतिनाथ महादेव के मंदिर पर, और हमने शिवना की यह दुर्दशा देखी है। और जानकारी मिली है कि आप निरंतर इस शिवना शुद्धिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं, तो थोड़ा विषय बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मंदसौर जिले की जो प्राचीन धरोहर है, उन धरोहर को उठाने के लिए मंदसौर गाथा नाम से एक चैनल चलाया, और दूर दराज पर जाकर आपने उन सब चीज़ों को हमको देखने का अवसर भी प्रदान किया है। साथ ही आज मंदसौर आकर आपने शिवना का यह जो मुद्दा उठाया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2018 में जब नए वर्ष की वाहन रैली हम निकालने वाले थे, तो उसमें शिवना का विषय आया था, क्यों ना अपन वाहन रैली के साथ शिवना का भी विषय उठाए। इसके बाद हमने जनवरी से लगा के मार्च तक इस शिवना का मुद्दा उठाया था, और उसके बाद मध्य प्रदेश शासन ने पूरे मध्य प्रदेश में 230 नदियों को जल संसद के माध्यम से गोद लिया था, तो प्रशासन के माध्यम से फिर शिवना पर काम भी हुआ। लेकिन उसके बाद से लगातार हम शिवना के लिए लगे हुए हैं, और हमारे बार बार प्रयास करने के बाद भी हमने सब लोगों को बताया, सांसद जी, विधायक जी और नगर पालिका के जितने भी अध्यक्ष हुए, जितने भी कलेक्टर उस समय तक आ चुके हैं, उन सबको हमने निवेदन पत्र के माध्यम से शिवना की जो दुर्दशा हो रही है उसको बताने का प्रयास किया है। और चौराहे संपर्क भी हमने किया, बस्ती संपर्क भी करी है, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने सबको इस और जन जागरूकता करने का कार्य किया है। लेकिन हमारी दुर्दशा यहाँ पर हम देखने को शिवना को मिल रही है कि कोई भी प्रशासन का व्यक्ति जग नहीं रहा है। यदि हम उनके पास जाते हैं तो वो वादा जरूर करते हैं, लेकिन वादा आज तक निभाया नहीं गया। मुख्यमंत्री द्वारा 12 करोड़ की घोषणा की गई, लेकिन दूसरी सरकार बन गई और ये सरकार भी अब पुनः इसका पूरा कार्यकाल पूरा होने वाला है, तब भी 12 करोड़ नहीं आए। तो ये कहीं ना कहीं जनता इस मुद्दे को प्रबलता से नहीं उठा पा रही है, इसलिए हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और शासन प्रशासन के जितने भी अधिकारी वे सब सोए हुए। तो क्या योजना हो सकती है इसे शुद्ध करने के लिए? नगर पालिका ने अभी 99 करोड़ की योजना बनाई है। जहां मुख्यमंत्री 12 करोड़ नहीं दे पा रहे हैं, वहां 99 करोड़ आना अपने आप में बहुत कठिन विषय है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया उसकी बजाय सीधा सा ये है कि हमारे स्वर्गीय प्रहलाद जी बनवार ने एक निवेदन पत्र के माध्यम से, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो नाला है ना, 150 मीटर का नाला बना दिया था। ऐसे ही छोटे छोटे काम करते हुए यदि बड़ी पुलिया के यहाँ तक पाइप डाल दिए जाए, तो वह गंदे नालों का पानी शिवना में नहीं मिलेगा। और राजा बड़ी पुलिया के यहाँ पर जो पानी रोकने का बांध पर कार्य है, उस पानी को आगे प्रवाहित करने दिया जाए, और ये हम भी नहीं चाहते कि किसानों का नुकसान हो, इसलिए बड़ी पुलिया के वहाँ पर जो छोटी पुलिया है वहाँ से पानी डंप करके आगे डाल दे, और वहाँ पर ये जो गंदे नाले का पानी वापस रिटर्न आता है वह पानी आना बंद हो जाए। और यहाँ पे 8 नाले जो मिल रहे हैं, पूरे शहर का पानी मिलता है, तो उन नालों का पानी छोटी पुलिया, बड़ी पुलिया के वहाँ जो छोटी पुलिया है उसके उधर डाल दे, तो बहुत कम खर्चे में यह शिवना जो उधर की ओर, अभी आपने वीडियो बनाया होगा, वहां पर भी नदी का पानी पूरा साफ है, और जस्ट इसके पास में है ना ये जलकुंभी उग रही, मतलब कि ये गंदे नाले का पानी है। तो ये नालों का पानी छोटी पुलिया, बड़ी पुलिया के वहां जो छोटी पुलिया है उसके उधर डाल देंगे, तो निश्चित तौर पर उधर वाला जैसा पानी है वैसा के वैसा ये हो जाएगा। तो हिंदू संस्कृति उत्सव आपके द्वारा अभी तक कोई प्रयास किए गए हैं? जी, हमारे द्वारा सारे जितने भी जवाबदार जनप्रतिनिधि जी हैं उनको भी निवेदन पत्र दिया गया है। अभी पर्यावरण मंत्री जी हरदीप जी डंग की बात हमको नानालाल जी बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं उन मंत्री जी से बात करी, तो उनने भी कहा कि हम इसके लिए लगे हुए हैं, यदि नहीं मानेंगे तो कल से गुरुदेव दशरथ भाई जी शर्मा द्वारा
यहाँ पर फेसबुक लाइव प्रतिदिन चलाया जाएगा, तो कल उनका शुभारंभ हो रहा है। ऐसे करके हम जनता को जागरूक करने का काम हम सतत रूप से करेंगे, और यदि नहीं माने तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंदसौर गाथा, प्राचीन मंदसौर से आधुनिक मंदसौर तक की हमारी यात्रा का उद्देश्य है, हमारे चैनल का उद्देश्य है कि हम मंदसौर जिले के तमाम धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक स्थलों को आप सभी के सामने लाएं। उन सभी धार्मिक महत्ता के जो स्थान हैं उनमें शिवना मैया का भी एक स्थान है, लेकिन शिवना की दुर्दशा आप सभी के सामने आप प्रस्तुत हैं ही सही। जब भी आप मंदसौर आते होंगे तो शिवना की दुर्दशा आपको बड़ी पुल से ही दिख जाती होगी। नदी बड़ी पुल के दोनों ओर शिवना मटमेले, कभी काले कभी लाल पानी से युक्त रहती हैं। वर्तमान में यहाँ जलकुंभी का फैलाव है। तो मित्रों, दुख की बात तो यह है कि इसी शिवना नदी के स्वच्छ पावन जल से विश्वविख्यात अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव का प्राकट्य हुआ था, और आज उसी शिवना की दुर्दशा इस प्रकार है कि हम यहाँ का जल आचमन तक नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपने वीडियो में पूर्व में देखा है कि यहाँ जो प्रयास कर रहे हैं मनीष जी भावसार व हिंदू उत्सव समिति मंदसौर निरंतर अच्छे प्रयास कर रही हैं, आप सभी मित्र बंधुओं भी उनका सहयोग करें, क्योंकि यह निजी कार्य नहीं है, यह मंदसौर नगर के हित का कार्य है। यह भगवान पशुपतिनाथ महादेव की आस्था से जुड़ा, शिवना मैया की धार्मिक महत्ता से जुड़ा विषय है। कृपया सभी सहयोग करें। वह इस प्रकार का जो दृश्य आपने वर्तमान में वीडियो में देखे हैं ऐसे नहीं दिखने चाहिए। नदी एक और बिल्कुल हरी है जो आप देख पा रहे हैं, यह मंदिर परिसर के छोटे पुल के एक ओर का दृश्य है, दूसरी ओर बिल्कुल साफ जल है। कहने का यह मतलब है कि जो गंदे नाले अभी आपने वीडियो में देखे हैं, इन सभी नालों को बड़ा वो पक्का बनाकर मुक्तिधाम से आगे इनका बहाव कर दिया जाएगा, तो निश्चित ही मंदिर परिसर भी स्वच्छ वो साफ हो जाएगा, जहाँ शिवना के यह हाल है। तो हमारा चैनल धार्मिक महत्व के विषय पर अधिक बल देता है, इस कारण शिवना भी धार्मिक महत्ता की नदी है, तो स्वाभाविक है उक्त नदी को यहाँ स्थान जरूर मिलना चाहिए। और मुक्तिधाम परिसर के दृश्य भी आप देख रहे हैं, किस प्रकार एक बड़ा हरी घास का जो मैदान है वो नदी का रूप बन चुका है, जो दुख की बात है। आप सभी सहयोग करें, वह जल्द शिवना मैया स्वच्छ हो, जो यहाँ की मांगे हैं वो पूर्ण हो। धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि घर बैठे आप पूरा मंदसौर घूम सकें। वह धर्म की जय हो।